पिछले कुछ दिनों पहले हरदी बाजार के लोगों ने एक पिकअप में आए कुछ लोगों को रुकवाया था। इन वाहनों में खाली जेरिकेन और पाइप के साथ 20 से अधिक लोग मौजूद थे। पूछताछ करने के बाद इन लोगों ने डीजल चोर गिरोह के लिए काम करने की बात स्वीकारी थी। इन लोगों ने प्रतिदिन की मजदूरी के रूप में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्राप्त होने की बात भी कबूली थी। जब तक इस मामले में पुलिस कुछ कार्यवाही कर पाती, वे लोग मौके से भाग निकले। और अब हाल ही में रदी बाजार पुलिस ने खुद को पाक साफ दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया है। वो सामान्य लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह डीजल चोरी करने की बात स्वीकार कर लें। पुलिस की इस कार्य प्रणाली के कारण केसला के उप सरपंच रह चुके पंचराम चौहान परेशान हैं। पंचराम पुलिस की मनमानी को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव का श्यामलाल बिहार डीजल चोरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके उल्टे पुलिस उनके घर अनावश्यक घुस गई और उन्हें परेशान किया। का नाम है जयपाल। इकबाल जयपाल। जयपाल कहाँ के छोटू? रामपुर। काकर काम कर सकते हैं? शाहिद खान। शाहिद खान का नाम है? शाहिद खान। शाहिद खान तो कहाँ के हैं तुम? हंडी के साथ। का नाम है? निराला गढ़ेवाल। निराला गढ़ेवाल। लाला? निराला गढ़ेवाल। निराला गढ़ेवाल। कितना रोजी देम थे आप? मतलब हम 1000 थे भैया। 1000 रुपये का काम कर थे? एक दिन का काम कर थे। पार्ट थे भैया। नहीं अभी कितना आदमी हुई है लगभग? अच्छा दूसरे के ये का कर रहे हैं? हल्दी बाजार चौकी अंतर्गत सराय सिंगार बजरंग चौक के पास ग्रामीणों के द्वारा दो गाड़ी जिसमें जर्किन और पाइप लदा हुआ था, जिसमें तकरीबन 40 से 50 लोग भी थे। जब उसे ग्रामीणों के द्वारा जब पकड़ा गया और पूछताछ जब किया गया तो उन लोग का कहना यह था कि हम लोग डीजल निकालने गेवरा जा रहे हैं।